देखते रहिए UBN 08 गुना से। योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिद्ध बाबा के पहाड़ पर वर्षों से तपस्या कर रहे श्याम सुंदर महाराज एवं भक्तों के सहयोग से 1 माह की रामायण का पाठ चल रहा है। भक्तों द्वारा भोज आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। सहयोगकर्ता इस प्रकार हैं: हरिराम लोधा, राजू जैन, अशोक कुमार बोनू अवस्थी, नया गांव निवासी दुली चंद लोधा उपस्थित रहे। 181 में माँ भी की हमने शिकायत शिवराज सिंह चौहान को, माँ से भी कुछ विधायक साहब से ही बोला था। विधायक साहब आए थे, 2-4 बार बोला उनने, उनने बोला हम पानी की व्यवस्था करेंगे, कोई पानी की व्यवस्था आज तक कुछ नहीं है। जी ट्यूबवेल खुदा, वो जी ट्यूबवेल खुला था, विधायक साहब से खुला था, लेकिन उसकी मोटर चोरी हो गई। अब कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। 1 साल से महाराज जी अपने सिर पर पानी रखते हैं। अभी पानी कहाँ से लेके आ रहे हो? अभी पानी रसियाई से, कुछ गुना से, बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है और पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मतलब हाथों से लेके आना पड़ रहा है? हाथों से गाड़ी से इनसे पानी लेके आ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? पानी की व्यवस्था हो जाए, लाइट पानी चाहिए, लाइट और पानी की व्यवस्था चाहिए। बाबा जी यहाँ 6 साल के लगभग अखंड जोत जलाए हुए हैं। 2 सैकड़ों भक्त रोज आते हैं, अखंड रामायण जी बैठी हुई है। अभी भी आप देख रहे हैं सैकड़ों भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। पानी की भारी समस्या है, चक्कर लगा लगा के विधायकों के, पीएचसी के, मुख्यमंत्री 181 पे भी शिकायत कर करके परेशान हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं अधिक है। और महाराज जी अपने सिर पर पानी रखकर पिछले 1.5 साल से ला रहे हैं और पहले भी पानी लाते रहे हैं। मोटर विधायक साहब द्वारा 5 दिन मोटर रही, इसके बाद में चली नहीं। पीएचसी से कुछ मोटर ख़राब भी थी वो, और इसके बाद में चोर उसको चुरा कर कर ले गए। विधायक साहब के पास 3-4 बार गए हम, कंप्लेन भी की इसकी, इसके बाद में कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना।